आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा को एक बड़ा नेतृत्व का मौका दिया, कार्यकारी अध्यक्ष तक की जिनको जिम्मेवारी दी थी। बौखलाई हुई भाजपा, जिन्होंने सीडी, ईडी, सीबीआई, शाम दाम दंड भेद ही नहीं, बिलो बेल्ट करके भाजपा को कांग्रेस युक्त बना के शासन चलाने की जो साजिश के तहत हार्दिक पटेल का एक रेजिग्नेशन करवाया है। हार्दिक पटेल भाजपा के उन्हीं लोगों के खिलाफ, जब पाटीदारों के साथ अन्याय हुआ, इतना ही नहीं, निर्दोष माताओं बहनों को भाजपा ने घर से निकाल निकाल के बेइज्जत करके मारा पीटा, उस वक्त हार्दिक पटेल ने अमित शाह को टाइटल दिया था जनरल डायर का, और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला था। हर बार वो उसके खिलाफ, उनके ट्वीट, उनकी भाषा आप देखिए। उसके बाद जो सिलसिला चला, जो भाजपा की एक चाल होती है कि जब शासन डोलने लगता है, वो गुजरात के अंदर भी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, गुजरात के युवा को रोजगार मिल नहीं रहा है, गुजरात के कर्मचारी हर दिन सड़कों पे आके, आज वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के, आरोग्य के कर्मचारी रोड पे हैं, तो इनको डर लग रहा है कि शासन चला जाएगा तो क्या किया जाए। कि ऐसे हथगंडे करो कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के ले आओ, ये देश भारत कांग्रेस मुक्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है। पर कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर बना दी है, भाजपा युक्त कांग्रेस बन गई है, और कांग्रेस के नेताओं को ले जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हार्दिक पटेल भी आज जो कुछ उसने लिखा है, वो साफ साफ भाजपा का लिखवाया हुआ है। क्योंकि मुझे कुछ हमारे साथी जो भाजपा में गए और वहां जाके जो पछताए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब हम भाजपा हमको किसी ने किसी तरह ले जाना चाहती है तो हमें एक स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, सिर्फ मुंह हमारा होता है या पेन हमारी होती है, बाकी सारा प्लॉट जो होता है वो भाजपा का होता है। तो आज हार्दिक पटेल का जो रेजिग्नेशन में जो लफ्ज़ हैं, वो साफ साफ भाजपा के लफ्ज़ हैं और उसमें कोई दम या सच्चाई नहीं है। ये 8 दिसंबर 2017 को हार्दिक पटेल ने खुद कहा था कि उनकी सीडी भाजपा ने बनवाई है, जो उनकी सेक्स सीडी हार्दिक पटेल की बाहर आई थी, और हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके कहा था कि उनकी सीडी बनाने में भाजपा इतनी व्यस्त थी कि अपना चुनावी घोषणा पत्र भी निकालना भाजपा भूल गई 8 दिसंबर 2017 को। नवंबर 2017 को भाई हार्दिक पटेल ने कहा था कि भाजपा को वोट देना, वो ऐसा प्रयोग हुआ कि जो असफल रहा और विनाशकारी रहा, भाजपा को वोट देना विनाशकारी रहा। ये हार्दिक पटेल का नवंबर 2017 का ट्वीट और उनका कहना था। बाकी तो सिलसिले बहुत सारे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के और दूसरे केसेस लगे थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पहला केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन था उसको स्टे करवाया गया, और उसमें जो एडवोकेट अपीयर हुए, तब से मीडिया के साथी भी कह रहे थे कि भाजपा के साथ कुछ चल रहा है। गुजरात में केस वापस लेने के लिए, जो केस में रायोटिंग था, वो केस वापस लेने के लिए भाजपा सरकार हार्दिक पटेल के केस को वापस लेने के लिए कोर्ट में गई। लोअर कोर्ट ने कह दिया
कि ये केस वापस नहीं हो सकता है क्योंकि सीरियस चार्जेस हैं, एविडेंस है। तो लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया सरकार की अपील, सरकार की एप्लीकेशन कि ये केस वापस नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ सरकार खुद हायर फोरम में गई, हायर कोर्ट में गई कि नहीं, ये केस तो हार्दिक के खिलाफ हमें वापस लेना ही है। तभी से गुजरात में ये प्लॉट साफ हो गया था कि भाई हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ मिलके अपने खिलाफ की कुछ चीजें जो भाजपा की चाल हैं, सीडी केसेस और लालच देके ले जाने का। मेरे सीधे कुछ सवाल हैं भाई हार्दिक पटेल जी से भी और भाजपा से भी कि आपने जब आंदोलन छेड़ा था तब जिन पाटीदार समाज के लोगों के साथ अन्याय की बात थी और आपने जो मांगे जीएमडीसी ग्राउंड में पाटीदार समाज के लिए रखी थी, क्या उसमें से एक भी पूरी हुई है? अगर नहीं हुई है और आप उधर जा रहे हो तो कौन सा ऐसा निजी स्वार्थ आ गया कि समाज को आप भूल गए और निजी स्वार्थ के लिए आप जा रहे हो? मेरा दूसरा सवाल है कि आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा युवाओं को तक, आप आए सीधे, आपको सीधा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, क्या ये कोई छोटी पोस्ट थी? आपको हाई कमांड सीधे तौर पे बात करके आपकी हर बात को, जैसे हर युवा को यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है उसके तहत आपको पूरा चांस मिला था। पाटीदारों की अनामत की बात करते थे, क्या उस पर आप क्या करना चाहते हो? आपका क्या रवैया हो गया? आपके साथियों ने आज आरोप लगाया है, कल के अखबारों में देखा कि कांग्रेस पार्टी में पाटीदार आंदोलन के बाद हार्दिक पटेल जी ने जो टिकटें थी वो बेच दी थी और कांग्रेस पार्टी को भी गुमराह किया था और सच्चे लोगों को टिकट नहीं, पैसों से टिकट बांटी थी। ये आपके साथ रहे हुए पाटीदार आंदोलन के युवाओं ने जो आरोप लगाए हैं उसका खुलासा भी आप कम से कम कर देते तो अच्छा रहता। मुझे दुख है कि युवा चेहरा कांग्रेस में रह के, लोगों के साथ रह के एक नेतृत्व उभरने की जो प्लेटफॉर्म जिसको मिला था उसको भाजपा ने किसी न किसी तरह से रौंद डाला है। जैसे और युवा साथी या और नेता कांग्रेस में हीरो हुआ करते थे, भाजपा ने ले जाके उसको जीरो कर दिया है और उसका कोई वजूद नहीं रहने दिया है। असल में जैसे वो हम कहानी सुनते थे कि एक राक्षस की जान तोते में थी, तोता मर गया, राक्षस मर गया, उसी तरह भाजपा के आकाओं की जान गुजरात में है। अगर गुजरात हार गए तो दिल्ली बैठना मुश्किल होगा। गुजरात में आज गुजरात की जनता भाजपा के खिलाफ है, गुजरात की जनता परेशान है। और जैसे ही साउथ में राहुल गांधी जी की रैली हुई, लाखों लोग उमट पड़े, वहां से डर बैठ गया है। तो डरी हुई भाजपा, बौखलाई हुई भाजपा जनता में आधार नहीं, ना कैडर रहा ना बेज रहा। तो कांग्रेस के बेज को शाम दाम दंड भेद नहीं, बिलो बेल्ट जाके तोड़ के खरीद के अपनी जीत के लिए ये हथगंडे भाजपा के हैं। आपके कोई सवाल होंगे स्वागत रहेगा। पहले आपने बोला कि बड़े पद से नवाजा गया, फिर आप कह रहे हैं कि टिकट तो उन्होंने बेचा, तो अब तक मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने टिकट बेचा, ये मेरा आरोप नहीं है। कल के सारे अखबारों में सुर्खियां हैं गुजरात के, हार्दिक पटेल के साथ रहे हुए पाटीदार आंदोलन के युवा साथियों ने मिलके एक स्टेटमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है, मेरा कोई आरोप नहीं है। क्या आपका सर अंदेशा है कि वो भाजपा जा रहे हैं? अंदेशा नहीं है। ये जो लफ्ज लिखे गए हैं रेजिग्नेशन के साथ, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि अब हार्दिक पटेल जी की अगली चाल हार्दिक पटेल जी नहीं तय करेंगे, भाजपा के आका तय करेंगे। क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, क्या खाना है, क्या करना है, वो सारा एक कठपुतली को जैसे नचाते हैं वैसे भाजपा उनकी सारी चाल तय करेगी। हिमंता बिस्वा ने पहले आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ
धार्मिक इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसा नेता करते हैं, वाकई आपके अध्यक्ष को आपके नेता में कोई दिक्कत है जिस वजह से लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं? देखिए, एक नॉर्थ ईस्ट का, एक गुजरात का, एक इधर एक उधर पूरे, पर भाषा दोनों सेम। क्या हो रहा है? क्योंकि ये कांग्रेस छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ। वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है। देखिए, यही बात होती है कि अगर भाजपा ये तय नहीं करती होती तो सबके लफ्ज, सबके शब्द, सबका प्लॉट एक ही नहीं होता है, ये सारी चीज वहीं तय होती है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी की हमें नाज है। इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में पतली रेखा होती है। भाजपा में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तो थोड़ा सा लफ्ज आका के खिलाफ बोला तो उसका पांव नहीं गला काटा जाता है। हरेन पंड्या, गुजरात के नेता, उसके पिता हर वक्त कहते रहे कि मेरे बेटे का पॉलिटिकल नहीं फिजिकल मर्डर भी यही भाजपा के नेता ने किया है, वो मैं नहीं आरोप लगाता हूं, हरेन पंड्या के पिताजी कहते हैं। तो भाजपा में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है। और कभी कभी हम लोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इंटरनल डिसिप्लिन, इंटरनल डेमोक्रेसी को, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको इनडिसिप्लिन में यूज करते हैं, वो बुरी बात है। वरना इंटरनल डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस में है, इंटरनल डेमोक्रेसी भाजपा में नहीं है। कैसे पॉसिबल है, जैसा आपने आरोप लगाया भाजपा ने ही उनसे राजद्रोह का केस दर्ज करवाया, अब जो मुकदमा चल रहा है अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, आगे चुनाव है, भाजपा कैसे अपने साथ ले लेगी? भैया, उसने वापिस कर लिया, यही तो बात है, आपको पता नहीं है। जो जो केसेस लगाए थे वो केसेस भाजपा सरकार ने लगाए थे, और उस वक्त आसमान पे चढ़ के कह रहे थे कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, जायज केस लगाया है। जिस सरकार ने भाजपा की हार्दिक पटेल के सामने केस लगाया वही सरकार केस विड्रॉ कर रही है, तो कौन सा हालत बदल गया? उस वक्त भाजपा पे अटैक करते थे हार्दिक पटेल तो केस बना, आज भाजपा से समझौता हो गया तो केस विड्रॉ हो गया। सर, यू आर ऑफरिंग मोर अपॉर्चुनिटी टू हार्दिक पटेल, दिस एक्शन में एनीहाउ अफेक्ट द स्पिरिट ऑफ सेलेक्शन? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वहाँ कोई इक्का दुक्का आदमी किसी अपनी वजह से, अपनी मजबूरी, अपनी लालच या अपना केसेस वापिस, कुछ भी हो, कोई इक्का दुक्का इधर जाता है तो इससे कांग्रेस पार्टी युवा नेतृत्व को आगे करने वाली बात में कोई पीछे हट नहीं करेगा। सर, प्लीज सर, सही में लीजिए। कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज एनकरेज यूथ लीडर्स, एनी इंडिविजुअल इज गोइंग हियर एंड देयर विल नॉट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू एनकरेज यूथ लीडर्स। देखिए, नेचुरली नरेश पटेल जी है वो सोशल लीडर है, वो लंबे अरसे से खोडलधाम का काम करते हैं और एक बरसों से सोशल सर्विसेज करते हैं। हार्दिक पटेल जी युवा नेता, एक आंदोलन से उभरे हुए नेता थे, तो उन दोनों का कंपैरिजन, जब केशुभाई पटेल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला उस वक्त पे नरेश पटेल जी ने भी भाजपा के खिलाफ पहली बार मोर्चा खोला हुआ था,